गाइस, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो ये एक एक्सीडेंट की वीडियो है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को दिखा के मैं रोड रेज को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा। इट्स जस्ट दैट कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी वीडियो देखें एंड समझें कि रोड पे अगर आप हो तो आपको कितना ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, सो दैट आपको कोई भी हार्म ना हो, आप बिल्कुल सेफ रहें। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है हेलमेट। आपको हेलमेट पहनना मस्ट है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क्ड होना चाहिए। और अगर आप कोई भी बाइक लेते हो, लेट्स से KTM, R15 या कोई भी बाइक, आप कम से कम लाखों रुपए खर्च देते हो, लेकिन जब हेलमेट की बात आती है तो कई बार देखा गया है कि आप पैसे बचाने की कोशिश करते हो, जो कि आपकी सबसे बड़ी भूल है। चलो गाइस, आप पहले वीडियो देख लो एक्सीडेंट वाली, उसके बाद में बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो ये चार बाइक्स जो कि एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है, एयरपोर्ट जो रोड है बेंगलोर में, वहाँ पे रेस करते हैं चार लोग जो कि काफ़ी यंग हैं। इनके पास जो बाइक्स अच्छी बाइक्स हैं, एक के पास KTM है, दूसरे के पास CBR है और दो बाइक R15 version 2 है। सो ये सारी बाइक परफॉर्मेंस बाइक है, एग्रेसिव बाइक है, और इन चारों बंदों में किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया, किसी ने भी गेयर नहीं पहना। सबसे पहली बात की ऐसे रोड पे आप रेस नहीं कर सकते। अगर आपको रेस करना है उसके लिए ट्रैक होता है हर जगह, या कुछ कोई ऐसा रोड देखें जो बिल्कुल रोड खाली हो। आप ट्रेनिंग या ट्रेनिंग बहुत मस्त है, अगर आप रेसिंग करना चाहते हो तो पहले ट्रेनिंग लो उस चीज़ की। दूसरी बात, आपको हेलमेट तो आप रेस करो या ना करो, बाइक पर बैठते हैं आपके पास हेलमेट होना चाहिए। और इस वीडियो में किसी भी बंदे ने हेलमेट नहीं लगाया, प्लस आपके पास एक अच्छी राइडिंग गियर होनी चाहिए। अगर आप ऐसी बाइक्स आपके पास है KTM जैसी, R15 जैसी, सो आप 1.5 लाख रुपये खर्च कर रहे हो, 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हो, और आपके पास अगर राइडिंग जैकेट नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी भूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन बंदों ने हेलमेट पहना होता और राइडिंग जैकेट पहना होता तो इन चार में से कोई ना कोई बच ही जाता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से काफ़ी, मतलब आप ना उस चीज़ को काफ़ी कम कर देते हो, एक्सीडेंट होने के बाद जो चोट लगती है उसको काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है अगर आपने हेलमेट पहन रखा है या ग्लव्स पहन रखा है, राइडिंग जैकेट पहन रखा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि ये लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, प्लस इन्होंने कोई भी सेफ्टी गेयर नहीं पहना था। सो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी भूल है। मैं और क्या बोलूँ, इस वीडियो को देख के मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। अजीब लगता है देख के ऐसा एक्सीडेंट, आप के सामने कोई अपनी लाइफ गवा रहा है, तो ये बहुत अजीब बात है। सो मैं यही कहूँगा गाइस, अगर आप बाइक राइड करते हो तो प्लीज़ 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 आप लोग हेलमेट लगाओ, और कोशिश करो कि थोड़ा सा सेव करके आप राइडिंग जैकेट ले लो, राइडिंग गियर ले लो। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, राइड करते वक्त आप सेफ रहते हो, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपकी गलती है, किसी और की गलती है, बाइक डिसबैलेंस होती है उसके बाद चोट लग जाती है। लेकिन अगर आपके राइडिंग गियर है तो काफ़ी हद तक आप सेफ रहते हो। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है कौन कब तक कैसा रहेगा। सो आई वुड से कि अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो अच्छा हेलमेट ले लो, और हमेशा हेलमेट लगा के राइड करो, ग्लव्स ले लो और राइडिंग जैकेट ले लो। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।